अस्सलाम वालेकुम ऑल यूट्यूब फैमिली। उम्मीद आप सब ठीक ठाक हो के। और जी मैं क्या बनाने लगी हूँ, खैर से मेरे पास ये भी पेट पर ये शॉपर भरा ये रखा साथ में मेजरमेंट मैंने काफ़ी रखा अपना। तो मैं बनाने लगी हूँ आज जी पिज़्ज़ा जो बेक स्टाइल होता है। मैंने कहा चलो अच्छा यार मौसम बहुत अच्छा ठंडा हुआ हो तो क्यों ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए। और ऐसी चीज़ें तो खाई जाती हैं सर्दियों में, तो वह होममेड तजल्दा क्योंकि काफ़ी देर से देर नहीं बल्कि साल हो चुका था होममेड नहीं पिज़्ज़ा नहीं बनाता। अलबत्ता बाहर से खाते रहते थे, बाहर से ऑर्डर दिया तो घर आ गया बैठे हुए थे। तो बस तो मैंने कहा नहीं यार होममेड बनाना तो दिल भी था और मैंने कहा चलो व्लॉग भी बन जाएगा तो मैं अपनी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। और बहुत अच्छा बनता है जो मैं बनाती हूँ होममेड, और आप लोग भी लाजमी ट्राई कीजिएगा, लाजमी बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा। और जिसने यार सब्सक्राइब नहीं किया ना यार, आप लोग कर लो, सब्सक्राइब कर लो यार। एक सब्सक्राइब करने से क्या जाता है आप लोगों का, सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट्स करो। ये है मेरे पास यीस्ट जिसे हम कहते हैं खमीर, ठीक है खमीर भी कहते हैं। और इसको मैंने निकाल लिया और आप मेरे डब्बे पे मत जाइए, ख़राब हो चुका है। मैंने ना थोड़ा सा चूल्हे के पास रख दिया था तो मेरा डब्बा ही बेचारा मेल्ट हो गया। देखें ये चीज़ है। और इसके अलावा और कोई मुझे डब्बा नहीं मिल रहा जिसमें मैं ये निकाल सकूँ। चलो खैर कोई नहीं, घर की बात है घर की। इसका ये भी ना बस टू ब्लैक है मगर ये काम तो दे रहा है ना मेरा मेजरमेंट कप तो हमें चाहिए, ठीक है 2 कप मैदा। मैं इसकी हाफ़ क्वान्टिटी जो होती है वो बना रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मुझे चाहिए जी 1.5 2 टीस्पून, ठीक है सॉल्ट। हम ना इसको बराबर कर लेते हैं, ये देखें हमने कर लिया, ठीक है बराबर 1.5 2 टीस्पून सॉल्ट ले लिया है जिसे हम नमक भी कहते हैं। और 1.5 2 टीस्पून ही हमें चाहिए शुगर, ठीक है। इसको मैं इसमें ना ऐसे बहुत डायरेक्ट नहीं डालूँगी, इसको मैं डालूँगी किसी चीज़ में, या तो दूध लेके और साथ ही मैं चीनी भी डालूँगी बीच में, ठीक है। इसको मैं साइड पर रख देती हूँ। आप चाहो तो नीम गर्म पानी के साथ भी इसको गूँध सकते हैं, आप चाहो तो इसको नीम गर्म दूध के साथ भी गूँध सकते हो, ठीक है हल्का हल्का। अच्छा मैंने पानी लिया आधा, मैंने ले ली, और चाहिए होगा फिर मैं और इसमें ले लूँगी, ठीक है पानी। और वो भी नीम गर्म, ठीक है आपको चाहिए। मैं ओवन में हल्का सा टाइम दे दूँगी। मैंने बीच में चीनी और नमक मैंने 1.5 2 टीस्पून ही मैंने डाले, ठीक है। और इसके अलावा जो है मैंने इसमें डाल लिया क्योंकि मैंने कहा एक तो ये चीनी भी घुल जाएगी साथ में नमक भी। और इसके अलावा मुझे चाहिए एवरीडे, तो एवरीडे अभी आ जाता है, ठीक है एवरीडे अभी आ जाता है। और इसके अलावा मैंने इसमें एवरीडे डालना है क्योंकि एवरीडे ना मैं भूल गई थी भाई, तो बस वो भी अभी मैंने मंगाया, देखो आ जाता है तो एवरीडे चाहिए। और इसमें बीच में थोड़ा सा हमने 2 टेबल स्पून ऑयल के डालने हैं, वो भी इसमें डालेंगे, ठीक है। और यीस्ट भी मैं साथ ही डालूंगी। मैं पहले इसको हल्का सा नीम गर्म वो करके ना यीस्ट को मैं साथ ही डालूंगी और साथ में इसको मिक्स कर देंगे। चलो जी मैंने इसमें एक तो बीच में मैंने डाल दिया एवरीडे डाल दिया, ठीक है। और इसके साथ जो है पानी जो था ना मैंने लिया, इसको हल्का नीम गर्म कर लिया, इसी में मैंने नमक डाला और इसी में मैंने चीनी डाली है। और ये है बेकिंग पाउडर, ठीक है। मैं अगेन आप लोगों को फिर से अभी मैं बताती हूँ रेसिपी को, जरूर अच्छे से सुन लीजिएगा, ठीक है। 2 कप मैंने जो लिया फ्लोर लिया है, 1.5 टीस्पून मैंने शुगर लिए और 1.5 टीस्पून ही मैंने सॉल्ट लिया है, ठीक है। जो कि मैंने पानी में डाल दिया। पानी आपको चाहिए हस्ब ज़रूरत कि इसमें आटा अच्छे से जो हमारा है वो गूंद जाए, ठीक है। और इसके साथ आपने 1.5 ही आपने लेना है यीस्ट का, ठीक है। जो कि मैंने यीस्ट बीच में ही डाल दी है, साथ में अंडा मैंने ले लिया, ठीक है। और एवरीडे मैंने लिया है जो कि आप कह दो कि 20 रुपए का या 25 रुपए का शैशे मिलता होता है, इतना सा होगा सिर्फ इतना सा, ठीक है इतना सा होगा कम से कम। तो मैंने वो लिया शैशे, और इस शैशे में आप कह दो 1 टेबल स्पून के करीब होता है, ठीक है 1 टेबल स्पून के करीब मैंने ले लिया, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसको हम मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा सा हमने ऑयल भी डालना है, ठीक है। ये आप लोग जो है देख सकते हैं कि मैंने ये टेबलस्पून है अभी, ठीक है मेरा 1 टेबलस्पून है, ठीक है अभी मैंने 1 डाला है। और ये हमारा हो चुका है, ठीक है हमारी डो हो चुकी है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। अभी हमने इसको रखना है मैंने ओवन को ना हल्का तक प्रीहीट कर लिया था ताकि मैं ओवन के अंदर ही रख दूँगी। और ओवन को मैंने प्रीहीट करने के बाद इसको मैंने बंद कर दी ताकि हमारा जो ओवन जो गर्म है ये वाले में थोड़ा सा राइस हो जाएगा, क्योंकि सर्दियों में जो है राइस होने में ज़रा टाइम लेता है। और इसके अलावा आप लोगों को पता है कि गर्मियों में तो वैसे भी ये राइस हो जाती है। इसके ऊपर मैं दूँगी अब शॉपर, ये देखिए इसके ऊपर मैंने दे दिया शॉपर अच्छे से, ठीक है। देन उसके बाद आपने ना आपने इसको ज़्यादा दबाना भी नहीं, शॉपर को उस साइड साइड पे रखना है शॉपर को। और बाकी का आप जो प्रोसीजर आपको मैं बाद में दिखाऊंगी जब ये मैं पिज़्ज़ा रेडी करूँगी, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने हैवी सी प्लेट एक रख दी, अब मैं इसको रख दूँगी ओवन में। और जी मैंने ले लिया हाफ ब्रेस्ट पीस और हाफ मैंने रख लिया, ठीक है। और मैंने इसको वॉश कर लिया अच्छे से। और इसके अलावा मेरे पास जो है ना मैंने सिर्फ ना बाज़ार से मैं ले आई थी, दो शिमला मिर्च ले आई थी, 3 टमाटर ले आई थी, 7 2 प्याज ले आई थी जो कि इसमें ऐड अप होंगे। और इसकी मैं कटिंग करती हूँ। उसके बाद इसमें मैं साथ में मैं इसमें ना तिक्का मसाला वगैरह मिक्स करके इसको मैं सोते करूँगी हल्का सा। नमक वगैरह बिल्कुल हल्का रखूँगी क्योंकि जो तिक्का मसाला होता है उसमें भी होता है, ठीक है, नमक वगैरह, तो इसलिए मैं इसलिए ये चीज़ें वगैरह कटिंग करके रख रही हूँ ताकि हमारी टाइम की बचत हो जाए। और इसके जो है ना शिमला मिर्च को मैंने वॉश करना है, ठीक है। वॉश करने के बाद इसके गोल को स्लाइसेस काट लेंगे। और आप लोगों को भी पता है कि बेकरी वाले जो होते हैं, ठीक है, इनके जो पिज़्ज़ास वगैरह जो होते हैं ऐसे ही होते हैं, ठीक है, गोल स्लाइसेस किए हुए पास होते हैं, ज्यूलियन में भी कटे होते हैं, मगर मैं गोल गोल स्लाइसेस में काटूँगी। और ये भी, इसको भी मैं गोल गोल स्लाइसेस में काटूँगी। और वीडियो को पूरा तक देखिएगा। ये बेकरी स्टाइल पिज़्ज़ा है, इसमें चीज़ यूज़ नहीं होनी, ठीक है। बेकरी में जो लोग यूज़ करते हैं ये क्या यूज़ करते हैं बताऊँगी इसी वीडियो में कि क्या यूज़ करते हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और लास्ट में आप लोग भी बनाइएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में। और ये देखें, ठीक है, मैंने चिकन के छोटे छोटे पीसेस करने, इतने इतने, आपने बहुत ज़्यादा भी छोटे नहीं करने, ठीक है। वैसे तो बेकरी स्टाइल के जो मिलते हैं वो तो ज़रा थोड़े से भरे भरे ही लगते हैं, ठीक है, होते तो भरे भरे इतने हैं। और ये बस 3 से 4 या 5 बस पीस डाल देते चिकन के पास। और अच्छा मैंने इसको ज़रा मिक्स करी, हाथ से करी, ठीक है। हल्का सा ऑयल डाला मैंने, ठीक है। और हाफ मैंने ब्रेस्ट पीस ले लिया चिकन का। और इसके अलावा मैंने इसमें टिक्का मसाला जो होता है वो डाला, ठीक है। और हस्बे ज़रूरत डाला, ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आपने अगर ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। साथ में मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट डाला है। और इसके अलावा मैंने इसमें डाला है, क्या डाला मैंने इसमें, नमक डाल दिया हस्बे ज़रूरत। और साथ में मैंने पिसी हुई लाल मिर्च को भी हस्बे ज़रूरत। थोड़ी देर हम इसको ऐसे रख देंगे। प्याज को मैं देखती हूँ कि गोल काटने के ज़रा लंबाई में, जिसे ज्यूलियन कहते हैं, अपनी देखती हूँ। और इसके अलावा मैंने 1 टमाटर ले लिया, ठीक है, गोल गोल स्लाइस देख सकते हैं, आपने काट लिया, ठीक है, आप देख सकते हैं, ये देखिए मैंने काट लिया ऐसे। और इसके अलावा ये शिमला मिर्च, बस मेन जो काम होता है ना, मेन काम है। ये देखो फूल कितना अच्छा बना है, वाह। मेन जो चीज़ होती है ना आपकी डो, आपकी डो राइस अच्छी हुई होगी तो बस। सॉस वगैरह के लिए जो है आप चाहो तो टमाटरों की प्यूरी भी कर सकते हो, ठीक है। मैं जो हूँ क्योंकि बाज़ार में जो होता है, जो बेकरी में जो मिलता है ना खास तौर पर, वो इतनी मेहनत नहीं करते, ठीक है। बेकरी स्टाइल के लिहाज से वो लोग बनाते हैं, बस वो लोग हल्की सी या तो टमाटर पेस्ट लगा देते हैं सिर्फ, बाद लोग टमाटर केचप या चिली गार्लिक भी इसके ऊपर लगा देते हैं डो के ऊपर, बस। और बाकी ये थोड़े थोड़े से चिकन तो नाम का ही होता है, खैर से, अलबत्ता बस ये सब्ज़ियाँ ही होती हैं। मैंने हस्बे ज़रूरत ही इसमें सोया सॉस डाली है, ठीक है, थोड़ी सी। और हस्बे ज़रूरत ही मैंने चिली सॉस डाली है, बस। अब इसको मैं मिक्स करके पूरा जब ये पक जाता है फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और जी हमें जो चाहिए, देखिए, अच्छा ये देखिए, ये मैंने इसको काट लिया ऐसे, ठीक है। प्याज बहुत ज़्यादा नहीं डाली, ठीक है, हमने प्याज को ऐसे ऐसे करके हमने क्यूब्स में काट लिया, ठीक है। बाकी ये हो गया। साथ में तुलसी में डरपड़ फिश इसमें डालूँगी, सिर्फ मैं ये डालूँगी, ठीक है, एंड में, अच्छा ज़रा गार्निश के तौर पर, ठीक है, बस। बाकी ये जो बीच है ये नहीं डालूँगी। और इसके अलावा जो हमें जो चाहिए ना इसके सॉस के लिए, मैं एक तो मिक्स करके बनाऊँगी, एक तो सिंपल केचप है, ठीक है, और एक है मेरे पास गार्लिक वाली, ये दोनों मिक्स करूँगी तो मैं ये बनाऊँगी। और इसके अलावा जो हम जो कहते हैं ना कि जो बाज़ार वाले में यूज़ करते हैं चीज़ नहीं यूज़ करते, तो क्या यूज़ करते हैं ये मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ। ये हमें चाहिए इस चीज़ के लिए। 2 अंडे मैंने लिए हैं, ठीक है, और साथ में मैंने लिया है मायन्यूज़, ठीक है। वीडियो का पूरा एंड तक देखिएगा, कुछ भी मिस ना हो जाए, फिर ना आप लोग कमेंट्स कीजिएगा क्या हमने सही नहीं बताई रेसिपी, ये तो ऐसे तो वैसा। ये देखें लोग, ये देख सकते हैं मैंने बीच में ना मायन्यूज़ डाली है, मैंने पहले इसमें 2 अंडे डाल के इसको अच्छे से थोड़ा सा फेंटा है। दैन उसके पास मैंने डाली मायन्यूज़ मैंने डाली। अभी बस अभी इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और आप लोगों को मैं इसका टेक्सचर दिखाऊँगी कि कितना मिक्स करना है इसको। ये देखें, आपने इसको अच्छे से फेंट लेना है, ऐसा इस पर ज़ोर से इसको फेंटना है कि जैसे कि आप अपना गुस्सा अपने ख़ानदान वालों का ना इस अंडे पे निकाल दो। बस ठीक है, जितना गुस्सा आपके ख़ानदान वालों का ना आप इस अंडे पे निकाल दो, फेंट के। और ये देखिए मैंने विस्क लेके इसको अच्छे से इसको ये कर लीजिए। देखिए इसकी ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि ना बाज़ार में यही लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, जो बेकरीज में जो बनाते हैं ख़ास तौर पर, क्योंकि चीज़ वैसे जो है वो महंगी पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए बेकरी वाले जो होते हैं इसी स्टाइल से बनाते हैं और हम लोगों को लगता है यार ये तो चीज़ है भाई, ये तो चीज़ है। और ये देखिए हमारी दो भी प्राइस हो चुकी है माशाल्लाह से, आप ये देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने क्वान्टिटी भी कम, ये तो राइस भी थोड़ा सी ज़्यादा भी नहीं हुई थी, ज़्यादा वाली बनाती हूँ तब तो ये माशाल्लाह से इतनी राइस पूरी हो जाती होती है। और ये देखें, और ये मेरे पास है, ठीक है, मैं इसी में बनाऊँगी, ठीक है, पिज़्ज़ा और आप लोगों को दिखाऊँगी। मगर इसके नीचे मैं अपने कोट करूँगी ऑयल का, हल्का, बहुत ज़्यादा भी नहीं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखिए माशाल्लाह से, और ये देखें माशाल्लाह से ये देखिए हमारी डो हो चुकी है, ठीक है, रेडी। अब मैं इसको इसमें ऐसे रखूँगी और इसको हाथों की मदद से मैं इसको करूँगी। मेरे पास कोई और है नहीं जो कि मेरा फ़ोन पकड़ सके। खैर मैं साथ साथ कोशिश करूँगी कि आप लोगों को मैं दिखाती रहूँ। और हल्के हम लोग ऐसे करके कट्स लगा देंगे बीच में। देखें आप लोगों को पता नहीं नज़र आ रहे कि नहीं, ये देखें, ये आपको नज़र आ रही है। और ये देखें मैंने हल्की सी एक तो कैच सिंपल, ठीक है, और हल्की सी मैंने लगाई इसमें चिली सॉस, और आपने इसको हल्के हाथों से मिक्स कर देना, ठीक है। आप मेरी क्वांटिटी भी देख सकते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लगाई, ठीक है। ये देखें जो अभी मैंने जो पहले लिया था ना, जो कि आपको वीडियो में भी दिखाया था कि ब्लैक कलर का पैन था, इसमें मुझे ये था कि मैं इसमें ये अगर बैटर डालूँगी तो वो ना सारा बाहर आ जाना था, ठीक है, स्प्रेड होना था। तो इसको मैंने यहाँ पर ही ऐसे मैंने इसमें किया, टिका कन्वर्ट, और ये ले मैंने लिया है क्योंकि ये सही भी है और ये ऊंची भी, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। और एक पिज़्ज़ा इसमें अल्हम्दुलिल्लाह से आ गया, ठीक है। और हल्के इसमें मैं फिर से इसको कट लगाया मैंने, इसमें मैंने ये डालने शुरू किए, ठीक है, ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। ये टमाटर इसमें हो गया, कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, अच्छा भी लग रहा है ना कलर। एक हम इसमें ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना, ये ऐसे कर देते हैं, हाँ सही है। एक में ऐसे, ठीक है, आमने सामने मैंने ये लगा दिया, इसमें मैं डालूँगी साथ में ये भी, ठीक है। ये मेरा पिज़्ज़ा, आप लोग जो है ये बीच में भी लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने लगाया ऐसे, अच्छा है ना यार। अभी खुला डालो, आप लोग जब घर में बना रहे हैं तो खुली चीज़ें डालो, इसमें चीज़ डालो, या अगर जिस तरह से मैं बना रही ये करो, चिकन डालो, या पता चलिए पिज़्ज़ा खाया जा रहा है यार, नो कंजूसी, ठीक है ना। बाकी अभी मैं इसमें डालती हूँ अपना ये बैटर, फिर इसके बाद अगर ज़रूरत होगी मैं इसमें चिकन का बाकी का इसमें डाल लूँगी, ठीक है। हाय, प्याज तो मैं भूल गई, प्याज भी लगाना है यार। प्याज को ऐसे इसके ऊपर ऐसे कर लेते हैं ताकि बीच में जब हमारा वो मिक्स होगा ना, एक वो जो माइनस बनाया है फिर बीच में वो हो जाएगा, लग जाएगा इसमें, ठीक है। नो टेंशन किस बात की, चलो जी, इसलिए मैंने ज़्यादा भी नहीं लिया प्याज। और कहाँ लगाए थे, ऐसे, माय गॉड कितना प्यारा लग रहा है, देखिए यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें ये डालना शुरू करते हैं, और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, देखिए इसका लुक। और इसकी कोई टेंशन नहीं लेने किस साइड ऑफ प्यार है, ठीक है। ये वैसे भी ये पक जाएगा, डोंट वरी, क्योंकि बेकरी में भी ऐसे ही होता है, साइडों पे लगा होता है। और इसके अलावा मैं अब इसमें डालूंगी फिर से अगेन, ठीक है, चिकन। हैवी लोडेड बनाए ना मैंने पिज़्ज़ा यार, एटलीस्ट चिकन तो हो ना। बाइट लें पिज़्ज़े की, ओहो हो हो, पिज़्ज़ा के साथ भी चिकन फील हो खाते हुए, सही है ना गाइस। और आप लोग लाजमी बनाइएगा, मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि अच्छा बना है कि नहीं, और इस वीडियो को शेयर करो, लाजमी कीजिएगा, ठीक है। मेरे को बहुत है। अब मैं डालूँगी इसमें ये जो थे ना फ्लेक्स, ये कितना अच्छा देखो लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बिस्मिल्लाह करते हैं, ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा कितना अच्छा लग रहा है। अभी से जब ये पकेगा देखिए फिर इसमें कलर कैसा आता है। और बिल्कुल हल्की फ्लेम में आपने रखना है, ठीक है, हल्की फ्लेम में। और आप इसको मैं कुछ देर के लिए गुड बाय कह देती हूँ। बोलते हैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें लुक, देखें आप इसकी, कमाल हो गया, अच्छी लुक निकला ये इसकी, ये देखें बिल्कुल बेकरी स्टाइल का। और ये देखिए जी माशाल्लाह से फाइनल लुक इसकी। अभी इसकी कटिंग करते हैं। और ये देखिए ये बिल्कुल बेकरी स्टाइल का है, ये देखिए। और ये देखिए जी अम्मा ने इसकी सारी कटिंग कर दी है। इसको मैं खाती हूँ फिर मैं बताती हूँ कि कैसा। भी खा रही हैं तो आप लोग भी बनाइएगा और यूट्यूब चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।